गाइस कैसे हैं आप। दोस्तों हम बात करते हैं कि इंस्टाग्राम लड़की को कैसे पटाए। आखिर इंस्टाग्राम सोशल साइट पर आपको प्यार हो जाता है और इस कदर आपको प्यार हो जाता है कि आप उससे बात करने की कोशिश करते हैं। आप चाहते हैं कि आप लोगों का रिश्ता बने, आप चाहते हैं कि वो लड़की सिर्फ आपकी हो जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ वीडियो स्क्रॉल करते करते आप ऐसी लड़की के चक्कर में आ जाते हैं जहाँ पे आप रह नहीं पाते, जहाँ पे आपको लगता है कि काश उस लड़की का नंबर मिल जाता, लगता है कि ये लड़की मेरे लिए ही बनी है। और हाँ, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जहाँ बात करते 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 आप दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। क्योंकि ये चैटिंग आपका मैसेज चैट के थ्रू भी हो सकता है, वीडियो कॉल में भी हो सकता है। देखिए, बात की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है। जब भी आपको सोशल साइट पे कुछ लड़कियाँ पसंद आती हैं तो आप बहुत लंबे टाइम तक बात करें, जल्दीबाजी में आप ये ना बताएं। और हाँ, कोशिश करिए उनकी फ़ोटो की, वीडियो की तारीफ़ करने की कोशिश करिए, उनके बारे में जानने की। जितना आप उनके बारे में जानोगे उतना ही फ़ायदा रहेगा। आप अपनी बताने के बजाय आप उनकी सुने, उनकी हमेशा तारीफ करें, कितनी सुंदर लगती हो, कितनी अच्छी हो तुम, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है, तुम्हारे जैसी लड़की तो मैंने कभी देखा ही नहीं है अपनी ज़िंदगी में, जो हो तुम मेरे लिए तुम ही तुम हो। ऐसे कमेंट अगर आप करते हैं ना तो लड़कियां इम्प्रेस होती है। और लड़कियों को कोशिश करें गाना गाने की। अगर आप किसी भी लड़की को गाना गाकर सुनाते हैं तो वो लड़की बहुत खुश होती है, बहुत ही ज़्यादा उसको खुशी फील होता है कि हाँ ये लड़का कितना अच्छा है दिल का। कोशिश करिए कि आप अपने मन की छोटी छोटी बातें बताने की, घरेलू बात हो। आप कभी मत पूछिए कि तुम किसी के साथ कनेक्शन में थी, हो या नहीं हो। जब आप उनके साथ जुड़ना चाहते हैं ना तो आप अपनी बातें करें। क्यों आप किसी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं? आपको उनके साथ रहना है ना, तो कोशिश करिए उनसे जुड़ने की, कोशिश करिए आप उनसे बात करने की, और कोशिश करिए मीठी मीठी संवाद करने की, पॉजिटिव संवाद करने की, ताकि उनको अच्छा लगे। आप उनको ज़रूर बोलें कि तुम जब मैसेज नहीं करती हो तो मेरा मन नहीं लगता है, तो तुम मैसेज किया करो। जब आप ऐसे संवाद करते हैं तो उनका मैसेज कॉल आना तय है, बात होगा, धीरे धीरे आप उनका नंबर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। कभी मजाक में ही कह दीजिए कि तुम्हारा नंबर क्या है, कभी नंबर दे दो, टाइम मिलेगा तो कॉल करूँगा, या तुम ये नंबर मेरा ले लो तो मुझे मिस कॉल दे दो, ताकि हमारा कॉल पे भी बात हो। जब आप कॉल पे बात करते हैं तो एक दूसरे के साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाए, जैसे वीडियो कॉल। हर छोटी छोटी मोमेंट फ़ोटो के जरिए शेयर करें, एक दूसरे से जुड़े रहें। क्योंकि एक हर एक छोटी पहलू आपका एक रिश्तों में बांध के रखता है। और लड़की भी नोटिस करती है कि लड़का कितना झूठ बोल रहा, कितना सच्चाई है। जब आप अपनी लाइफ की छोटी छोटी बातें शेयर करने लग जाते हैं ना तो लड़की को वहीं विश्वास हो जाता है कि नहीं, ये लड़का बहुत अच्छा है और मेरे से कभी झूठ नहीं बोलता, और मुझे नहीं लगता कि आगे भी झूठ बोलेगा। तो आप विश्वास बनाने की कोशिश करें। शुरुआत में आपको झूठ नहीं बोलना है। हाँ, झूठ आपको वहाँ बोलना है जहाँ पे लगता है कि नहीं झूठ बोलना चाहिए। आपको जहाँ लगता है कि आपके पार्टनर इस बात पे गुस्सा हो सकती है तो छोटी मोटी झूठ देखिए बोलने में कोई खराबी नहीं है। दोस्तों, मैं दीक्षा, मेरे चैनल साथ जुड़े रहें, और आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में नंबर दिया है, अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए मुझे तो आप कमेंट करें। अगर आप कमेंट करके मुझे बताते हैं तो इस टॉपिक पर पक्का वीडियो बनेगा। और पॉजिटिव कमेंट आप लोग किया करें, क्योंकि कई लोग होते हैं कुछ भी कमेंट कर जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। दिल से दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।